हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ब्लैक बार के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप मेरी ये स्क्रीन देखिए दोस्तों, डेस्कटॉप की ये आस पास से दोस्तों, यहाँ से मतलब काली काली दिख रही है ना दोस्तों। तो दोस्तों, ये काली काली इसलिए दिख रही है दोस्तों, इसका जो रेजुलेशन दोस्तों 1080x720 पे रिकॉर्ड नहीं हुई। क्या तो दोस्तों, जो आपका डेस्कटॉप होता है दोस्तों, इसमें रेजुलेशन फिक्स नहीं हो रहता है। तो दोस्तों, इसलिए आपकी जो यूट्यूब की वीडियो होती है दोस्तों, आपने कभी देखी होगी बहुत सारी, जिनके आसपास की वो मतलब काला काला रहता है दोस्तों वीडियो के आसपास में। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो ये ब्लैक बार है दोस्तों, इसको हम ठीक कैसे करें। मतलब फिक्स 1080x720 बार पे वीडियो रिकॉर्ड कैसे करें। अगर दोस्तों आप 1080x720 बार पे वीडियो रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, वो मोबाइल सब में अच्छी तरह चलती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी सेटिंग है उसको करना। ठीक है, देखिए दोस्तों, पहले जो आपका ड्राइवर है ना दोस्तों, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक है, नहीं किया हो तो। उसके बाद दोस्तों आप डिस्प्ले सेटिंग के अंदर जाइए, एंड यहाँ पर दोस्तों जो लिखा हुआ ना एडवांस डिस्प्ले सेटिंग, इसके अंदर जाइए। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ आपको रिक्वायरमेंट क्या दिखाई दे रहा है, 1080x1024। तो दोस्तों इसके कारण ये फिट नहीं आ रही। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, 1020 और नहीं सॉरी 1080x720 को अप्लाई करना। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने के बाद हमें यहाँ पर कीप पे कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैंने इसको अप्लाई किया और दोस्तों अभी देखिए, आप मेरी स्क्रीन से देख रहे होंगे दोस्तों, आसपास बिल्कुल ब्लैक नहीं, और ये फिट 1080x720 पे दोस्तों बन रही है वीडियो। इस प्रकार दोस्तों, अगर आप भी ये ट्रिक अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो ये फिक्स आपके लिए बनेगी। ठीक है दोस्तों, एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जो ये आप देख रहे हैं मैं रिक्वायरमेंट क्या कि दोस्तों, अगर आप ड्राइवर नहीं डालते तो यहाँ दो दो तीन ऑप्शन ही आएंगे। अगर आप ड्राइवर की डीवीडी मतलब इंस्टॉल करते हैं आपके कंप्यूटर अंदर, तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आप भी अपने जो स्क्रीन ग्लास मिलेगा दोस्तों, उसको हटा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए मेरे वीडियो को। थैंक यू।